बेटा आप कहाँ जा रहे हो? अंकल मैं बस स्टॉप पे अपनी मम्मी का वेट करने जा रही हूँ। अच्छा मम्मा का वेट? आपकी मम्मा ने तो मुझे भेजा है आपको ले जाने के लिए। हाँ मुझे तो मुझे मम्मा लेने आते हैं, फिर आज आपको क्यों भेजा? वो क्या है ना बेटा कि आपकी मम्मा को कोई जरूरी काम आ गया है इसलिए मुझे भेजा है। पर मैं तो आपको जानती नहीं, और मेरे मम्मी पापा ने बोला है कि किसी भी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना चाहिए। बेटा मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं आपके पापा का दोस्त हूँ और कई बार आपके घर भी आया हूँ। मैंने आपको कभी नहीं देखा। बेटा मैंने तो आपको देखा है, शायद आप भूल गए हो। अब चलें? नहीं नहीं मैं आपके साथ नहीं जा सकती। बेटा मैं आपको बताना नहीं चाहता था, आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है और आपके मम्मा हॉस्पिटल में गई है। क्या मेरे पापा का एक्सीडेंट? मुझे जल्दी से अपने पापा के पास जाना है। चलो ठीक है चलते हैं। एक मिनट अंकल, तुम कहाँ जा रही हो और ये अंकल कौन है? क्या तुम पहले इनको जानती हो? हाँ हाँ जानती है। चलो बेटा जल्दी करो, हॉस्पिटल भी जाना ना पापा के पास। एक मिनट अंकल, मनरूप क्या तुम पहले इनसे कहीं मिली हो? मैं इनके पापा का दोस्त हूँ और इन्हें लेने आया हूँ। एक मिनट मनरूप, क्या तुमने इनसे पासवर्ड पूछा? कौन सा पासवर्ड? वही जो तुम्हारी मम्मा ने तुमको दिया था, इनसे पूछो। हाँ हाँ अंकल बताइए पासवर्ड। पासवर्ड? ओहो मैं जल्दबाजी में भूल गया। नहीं अंकल, जब तक आपने पासवर्ड नहीं बताया तब तक मनरूप आपके साथ नहीं जा सकती, पहले आपको पासवर्ड बताना ही पड़ेगा। मैं कह तो रहा हूँ कि मैं जल्दबाजी में पासवर्ड भूल गया हूँ। नहीं अंकल आपको पासवर्ड बताना ही होगा, नहीं तो मनरूप आपके साथ नहीं जा सकती। मैं ऐसे नहीं मानूंगी, तुम दोनों को ही किडनैप करना पड़ेगा। उसे तो भागना ही था क्योंकि वो बच्चों को किडनैप करने वाला था। अपनी मम्मा को बोलो कि तुमको एक पासवर्ड दे, जब भी तुमको कोई पिक करने आए तो उसको वो पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर वो उसको पता नहीं हुआ तो उस डेंजर और डेंजर है। ओह थैंक यू झलक, आज तुमने मुझे बचा लिया। वेलकम, इट्स ओके। चलो